नमस्कार, आप देख रहे हैं सितारगंज टीवी। मैं आपके साथ नवीन भट्ट निराला। पुष्कर सिंह धामी सितारगंज में ऐतिहासिक सिरसा मार्ग के उद्घाटन के लिए सितारगंज पहुंचेंगे। ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार पिछले 60 के दशक से इस रोड की मांग को लेकर शक्ति फार्म के जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में काफ़ी राजनीति हुई है। विपक्ष आरोप लगाता है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रस्तावित रोड को अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिर इस रोड को किसने बनाया और किसने प्रस्ताव दिया और किसने पास किया। तो ऐसे में सबसे पहले बात करता हूं मैं उत्तराखंड के सितारगंज शक्ति फार्म की। पिछले 60 दशकों से इस सड़क की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधि और शक्ति फार्म की जो आम जनता है वो कर रही है। इस सड़क के लिए काफ़ी राजनीति हुई। सिरसा मार्ग सितारगंज की राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा लंबे समय तक, लेकिन अब रोड बनकर तैयार है और उद्घाटन होना है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये खत्म होने के कागार पर है। हालांकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, आगे भी आरोप लगेंगे और प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन पूर्व के जनप्रतिनिधि भी जो मौजूदा विधायक हैं उन पर आरोप लगाने से बाध नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे में प्रश्न उठता है कि जो पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने उस सड़क को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अभी पिछले समय में देख रहा था जो विपक्ष के लोग थे वो कह रहे थे कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की देन है इस रोड को बनाने में, लेकिन रोड 2021 में कल उद्घाटन होगा। जैसे ऑल वेदर रोड की बात करता हूँ मैं, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस वक्त भारत की जो सेना थी, भारत की सेना के द्वारा इस रोड को मांगा गया था भारत सरकार से, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद यह रोड बना। तो ऐसे में क्या हम ये कहें कि जो सिरसा मार्ग है ये पूर्व के जनप्रतिनिधियों या फिर नारायण दत्त तिवारी जी की देन है? आज हम विश्लेषण करेंगे सितारगंज विधानसभा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट शक्ति फार्म सिरसा मार्ग का। इस सड़क के विश्लेषण करते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर राहुल कनौजिया के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस रोड पे आने वाले समय में ये जो रोड है ये क्षेत्र को विकास की गति देगा, क्योंकि आने वाले समय में ये रोड और आगे जो सूखी नदी पर जो पुल बन करके वो भी जल्द ही उसका भी उद्घाटन होने वाला है। जब ये दोनों प्रोजेक्ट को हम साथ में देखते हैं तो क्षेत्र का विकास हमको साफ नज़र आता है। और जो क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी कड़ी मेहनत करी और उनकी उसका जो आज हम फल देख सकते हैं कि क्षेत्र के लोगों को भरपूर मिलेगा। इस रोड में हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं, जो भी कच्चा माल लेकर के जो भी ट्रक सिडकुल की ओर जाते हैं कह सकते हैं कि अगर वो विया सितारगंज होकर के निकलते हैं तो उनको लगभग 20 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है, जबकि इस रोड और पुल के बनने से वो 20 किलोमीटर की जो अतिरिक्त यात्रा इनको करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के साथ वो पेट्रोल के साथ साथ डीजल या पेट्रोल जो भी है उसके साथ साथ अपने समय भी बचा पाएंगे, जिससे जो कि ज़रूरी है कंपनी वालों के लिए और उनको एक बेहतर। हमारे क्षेत्र में एक और भी चीज़ है कि यहाँ से यही एक मुख्य सड़क है शक्ति फार्म के लिए जाने वाली और आने वाली, यही जो मुख्य हमारे जो नेशनल हाईवे है उसको जोड़ती हुई यही एक सड़क है मुख्य, जहाँ से लोग आना जाना करते हैं। इस रोड को लेकर के बहुत समय से आंदोलन किए जा चुके हैं, क्योंकि इस रोड पे कई एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहे हैं। और आज जब रोड बनकर खुश हुई तो मैं जल्द ही एक वीडियो भी लेकर के आऊँगा जिस पर लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या विचार है, क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ पर बातें होती हैं मैं सुनता हूँ तो लोग काफ़ी गदगद और खुश नज़र आते हैं इस रोड को लेकर के। उनके मन में एक खुशी का माहौल है और वो हर बार अपने दिल से सौरभ भोंगरा जी को हार्दिक बधाई भी प्रस्तुत करते हुए नज़र आते हैं। मैं देखूंगा, मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उस पर सितारगंज टीवी पर हम लाइव करेंगे, जिसमें मैं लोगों से इस रोड के बारे में ज़रूर पूछूंगा कि उनका क्या विचार है इस रोड के बारे में और किस तरह से हमारे क्षेत्र को विकास की गति देगा। आप देख सकते हैं रोड लगभग 7 मीटर चौड़ा है और इसमें कई पुलियाँ थी
और ये बनकर के आज एकदम तैयार है। क्षेत्र की बरसों पुरानी मांगों में से एक रही सिरसा सड़क का बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी द्वारा कर दिया जाएगा। साथ ही करोड़ों रुपए के अन्य विकास योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। गौरतलब हो कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में यातायात एवं संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षेत्र का कृषि, व्यापार व औद्योगिक विकास परिवहन के साधनों पर ही निर्भर करता है, जिसके चलते 60 के दशक से लगातार ये क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी मांगों में से मांग थी, जिसके लिए समय समय पर क्षेत्र की जनता द्वारा कई आंदोलन, आमरण अनशन किए गए, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुआ ने क्षेत्रीय जनता की सड़क की मांग को प्रमुख रूप से मानते हुए शासन में इसकी पैरवी। 26 करोड़ की लागत से बनी 15.5 किलोमीटर लंबी व 7 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने की वजह से क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 74 से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्र की विकास की गति मिलेगी। इसी के साथ मार्ग पर पड़ने वाले कुसमौट, बस घर, पेपलिया आदि गांवों के लोगों की आवाजाही में आ रही दिक्कतों से निजात मिलेगी। आज उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सिरसा रोड सहित 18 अन्य योजनाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया है। अपार भीड़ थी यहाँ पे, काफी जो लोग थे उन्होंने समर्थन किया है उनको। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सिरसा मार्ग में बनाऊंगा, हालांकि उन्होंने चुनाव से पहले कह दिया था कि जब तक सिरसा रोड नहीं बनाऊंगा तो मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे में उन्होंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि सितारगंज विधानसभा की एक बहुत लंबी मांग थी, बहुत बड़ी मांग थी। पिछले 60 के दशक से सिरसा रोड के लिए यहाँ के जो लोग थे, जनप्रतिनिधि, स्थानीय निवासी लगातार उसकी मांग के लिए जो है लाम बंद थे। ऐसे में विधायक सौरभ बहुगुणा ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज सुबह के मुख्यमंत्री ने सितारगंज पहुंचकर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है यहाँ की विधानसभा के लोगों को। हालांकि यहाँ का विपक्ष जो सितारगंज का, वो ये कहता है कि जो ये सड़क है, इस सड़क को पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने पास करी। लेकिन ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने पास किया था तो ये सड़क अभी तक क्यों नहीं बनी, इतना समय क्यों लग गया। ऐसे में मैं बात करूंगा, यहाँ के बहुत सारे लोग थे, उनसे हमने बात करी कि ये सड़क जो बनी है इससे शक्तिभारम क्षेत्र को क्या लाभ होने वाला है। तो हालांकि एक सेतु का काम करेगा, क्योंकि एक पुल भी बन रहा है सूखी नदी पर, उसका भी उद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है। साथ ही मार्ग पर चलने वाले मोटर गाड़ी के रखरखाव के होने वाले खर्चे में भी कमी आएगी। आपको बता दें चोली, आज मुख्यमंत्री धामी सहित केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री इतीश्वरानंद व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा शक्ति फार्म पहुंची, जहां टैगोर नगर की क्षेत्र को जनता को संबोधित करते हुए सिरसा सड़क के साथ तहसील भवन, डिग्री कॉलेज की भूमि पर स्वीकृत ऑडिटोरियम, कक्षा कक्ष, लेबोरेटरी का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर से करीब 1 बजे राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, उधम सिंह नगर प्रभारी मंत्री इतीश्वरानंद और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शिरकत करेंगे, जहां से वे मुख्य बाजार होते हुए टैगोर नगर पहुंचेंगे। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सौरभ बहुगुणा द्वारा जारी की गई घोषणा पत्र में सिरसा मार्ग भी मुद्दा था। सामाजिक कार्यक्रमों के प्रत्येक मंच से क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा हमेशा कहते आए हैं कि सिरसा रोड नहीं तो सौरभ बहुगुणा। काम बड़ा कठिन काम था और वो काम आज संपन्न हुआ है, उसका हम लोगों ने लोकार्पण किया है। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। अभी जो हमने कहा है कि यहाँ पर कुछ भवनों की आवश्यकता है, वो भवन भी निकट भविष्य में बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हल्द्वानी से इधर चोरगलिया को आने वाला जो सड़क है, उस सड़क के बारे में, और सिटपुल से सितारगंज चोरगलिया जो सड़क है, उस सड़क के बारे में भी जल्दी जो है हम लोग उसको भी निर्माण कार्य के लिए, हमने उसकी भी जितनी बाधाएँ थी वो समाप्त कर दी हैं। और भी जो इस क्षेत्र की जो भी समस्याएँ हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता से इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं और कुछ का जो है प्रस्ताव बनवा रहे हैं, कुछ को मौके पर ही जाकर हल कर रहे हैं। सभी को निर्देश दिए हमने। यूरिया खाद को लेकर समस्या, यूरिया खाद की समस्या आई है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जल्दी उसका समाधान हो। जो बोलते हैं उसको पूरा करना फिर एक मकसद हो जाता है। जनता से को गुमराह करना हमारी राजनीति नहीं, पिताजी की नहीं थी, मेरी नहीं थी। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, तो ये तो इनका कर्ज तो मैं चुका ही नहीं सकता। और सौरभ काम कर रहा है, पूरी पार्टी काम कर रही है, और अब धामी मुख्यमंत्री हैं, बगल के क्षेत्र से हैं। हम जानते हैं कि परेशानियां क्या हैं और हम जानते हैं कि हर समस्या का समाधान क्या, विकास क्या। जो पिछड़ा क्षेत्र होता था आज देखो कितना आगे बढ़ गया, लेकिन अभी हमारी मंजिल पूरी नहीं हुई है। 2022 के चुनाव के बाद जो पार्श्व वर्ष आएंगे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 से 30 का जो शतक है, ये उत्तराखंड देश में एक अग्रिम राज्य बनेगा। तो जो प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना सोचता है, उस प्रधानमंत्री का सम्मान रखना है,
और उत्तराखंड में कमल खिलाना है। नौजवान विधायक हैं, लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की जो उनकी अपेक्षाएं हैं और यहाँ की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज उसी में आज ये बहुत पुरानी मांग जो लोगों की थी उसको लोकार्पण हुआ है यहाँ पर सिरसा रोड का, और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो ये भीड़ देख के लगता है कि सौरभ बहुना के प्रति बड़ा प्यार भी है। क्या आप भी परेशान हैं अपने बिजनेस को लेके और ट्रेडिशनल विज्ञापन से? तो आज ही कॉल करें सितारगंज टीवी को और बनाएं डिजिटल प्रोफेशनल वॉइस ओवर विज्ञापन और छा जाएं अपने क्षेत्र में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें दिए गए नंबरों पर।